हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ फैब्रिक के बारे में कि हम अक्सर बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि हमें सब कुछ आता है पर हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। सब कुछ आने के बाद भी सिलने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको गाइस इसी बारे में बताऊँगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, फैब्रिक है ये हमारा। आपको अक्सर ये ध्यान रखना होगा, ये जो कन्नी होती है ना, ये अक्सर इधर से लेंथ लें, लेंथ हमेशा इस साइड से लें, और ये हमारी चौड़ाई होती है। या फिर आप ऐसे ध्यान, अगर किसी में ये कटिंग हो जाए आपको ना पता चले, तो उसके लिए आप ये देखें, ये यहाँ से अगर ये खींच रहा है तो आप इस तरफ से कपड़ा ना लें। जिधर से ये हमारा नहीं खींचता है, ये सीधा होता है। इधर से देखिए, ये बिल्कुल नहीं खींच रहा है, तो ये हमारी सीधी साइड है, और ये हमारी जहाँ से हमारा कपड़ा खींच रहा है ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये देखिए कैसे खींचता है, ये हमारी रॉन्ग साइड होगी। तो आपको जैसे कटिंग करना है तो ये इस साइड रखें, ये करने की तरफ आप ऐसे लेंथ लें और इधर से आप अपनी ड्राफ्ट बनाएं, जैसे कि ये ऐसे यहाँ से ऐसे लेंथ लें। लेंथ लेने के लिए ऐसे इधर से आप लेंथ लें, इधर से अपनी चौड़ाई लें, और इसी तरह से आपको रैप की कटिंग करनी होती है। रैप जैसे हमें पाइपिंग बनानी है, तो उसके लिए आप ऐसे आड़ा कपड़ा लें, जिधर से हमारा खूब स्ट्रेचेबल हो रहा हो उस साइड से आप कपड़े को रखें, ऐसे फोल्ड करें, कंधे ऐसे मिला के, और ये ऐसे निशान लगा लें और इसको काट दें, ऐसे ये आपका पाइपिंग के लिए कपड़ा निकल जाएगा। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो फैब्रिक के बारे में। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।